वेलकम बैक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस। तो ये पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और मैं इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जब आप किसी भी बीम को डिजाइन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है। जब आप किसी बीम को डिजाइन करते हैं तो आपको दिमाग में क्या चलता है, मतलब कौन सा चीज़ ऐसा है जो कंसिडर करना चाहोगे कि नहीं पहले तो मुझे इसके बारे में जानना हो, इसके अंदर स्ट्रेस कितना है। बीम है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, एक वर्टिकल फोर्स लगा। वर्टिकल फोर्स जो जंग को शेयर स्ट्रेस जनरेट करता है। तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में लेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये बीम है, आपको ये डिजाइन करना है। तो बीम में डिजाइन करने से पहले कितना रिइंफोर्समेंट देना है ये सब तो जानना पड़ेगा, इसका साइज कितना रखना है। सपोज कि हमें इसका बीम विड्थ है, एच डेप्थ है और एल लेंथ है। ठीक, ये आपका 3D फिगर है जो दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किए, कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी पॉइंट किसी भी कॉर्नर पे एक पॉइंट आप सेलेक्ट किए। एक पॉइंट आप सेलेक्ट करके उस पे ना एक पॉइंट से क्या होगा, एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होते हैं। जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए ये मेरा एक पेज है, ठीक, ये जो सीट है ये एक प्लेन है, एक प्लेन है। अब कोई एक पॉइंट, यहाँ से कोई एक पॉइंट मैंने इसमें सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से लेके ये प्लेन पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा, जस्ट ये पास कर रहा है कि नहीं, ठीक उसी तरह एक ये प्लेन पास कर रहा है, फिर ऐसे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकता है कि नहीं, जस्ट इमेजिन कीजिए। जस्ट आप एक किसी वुड को लीजिए, उसको पतला 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 काटते जाइए, या एक तरबूज को लीजिए, उसको पतला 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 एकदम काटते जाइए, एकदम थिन। आप जब एकदम कट करेंगे ना तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे आपको। तो वो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस दिखा रहा हूँ, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस जो है वो क्या है, एक प्लेन है जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास करते हैं। क्या है, ये प्लेन है जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस प्लेन में, अब ये जो प्लेन है, इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे इस पर स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस लगता है। तो अब इस प्लेन में कौन सा ऐसा प्लेन है जिसमें सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है। देखिए, अब इतना प्लेन हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि कौन से प्लेन पे मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। हम रेंडमली क्या किया, किसी प्लेन को उठा, एक प्लेन, दो, तीन प्लेन को उठा, जैसे एक प्लेन एक एक्सिस में, एक प्लेन एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। और तीन प्लेन को मैंने लिया, ये तीन प्लेन है, और तीन प्लेन पे अब चेक करेंगे कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है। क्या चेक करेंगे, अब एक एक प्लेन बाय प्लेन बाय प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रहा है। जैसे कि एक प्लेन लिए, एक प्लेन लिए, ये एक प्लेन ले लिए मैंने, एक प्लेन ले लिया। अब इसका एक्स एक्सिस हुआ ये इधर, एक्स एक्सिस तो ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, और जेड एक्सिस आपके पास हुआ। तो इस एक्सिस में ना कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है ये आपको बीटेक में पढ़ना है, ये आपको बीटेक में जानना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते किसको है। लेकिन अभी आप एमटेक में हैं तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। कोई गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्ट्रेस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस पे लग रहा है वो प्रिंसिपल प्लेन का एक्सिस निकालना। तो आप यहाँ समझ रहे हैं, ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो गया किसी दिए गिवन पॉइंट से, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारा फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस। क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ 100, 50, 150, 50, 150, 0, 0, 0, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन आपको 8 से 10 नंबर में आते हैं, ठीक। दो चीज़ निकालना रहेगा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमको जो पता नहीं है उसको मान लेते हैं। तो सिंपली क्या मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसको सिग्मा लैम्डा मैंने मान लिया, विद एज्यूम द सिग्मा लैम्डा विद द प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। एंड एज्यूमिंग द nx ny nz आर द प्रिंसिपल प्लेन जो एक्सिस है हमारा वो है, ठीक। वो भी हमको निकालना है तो हमको पता नहीं है पर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। nx ny nz निकालते हैं। तरीका क्या है कि जो हमारा गिवन स्ट्रेस है
गिवन स्ट्रेस में आप सिग्मा लैम्डा को माइनस कीजिए, किस में माइनस करना, डायगोनल एलिमेंट में माइनस करना, डायगोनल एलिमेंट में माइनस करो, उसका सेम जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको सेम छोड़ दिए, ठीक, दिस 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 दिस। अब इस जो प्रिंसिपल स्ट्रेस था और नॉट प्रिंसिपल प्लेन जो है उसको मल्टीप्लाई किए, अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जीरो क्यों हो रहा है, तो अब अगर ये प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो प्लेन तो जीरो नहीं होगा ना, तो क्या होगा, ये जो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप चाहते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस पोर्शन का नाम जीरो होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इज जीरो। अब इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे क्या, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ नॉन ट्रिवियल डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैंने जीरो किया, ये मैट्रिक्स है, अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से लैम्डा का तीन वैल्यू मिलेगा, थ्री डिग्री इक्वेशन बनेगा, तो तीन वैल्यू मिला, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। चलिए अभी आगे देखते हैं, लैम्डा वन, लैम्डा टू एंड लैम्डा थ्री, तीन वैल्यू हमको मिला। इक्वेशन को सॉल्व किया तो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, तीन इक्वेशन मिला हमको, तो लैम्डा वन का वैल्यू, अब तीन वैल्यू मिला, एक मैक्सिमम मिलेगा, एक मिनिमम, एक मिडिल फॉर्म होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको लैम्डा वन ही बोलते हैं जनरली, आपका मर्जी आप बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम है तो 215.83 आया है, 215.83 लैम्डा वन, लैम्डा जीरो मिडिल फॉर्म एंड लैम्डा थ्री जो मिनिमम होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ये मिल गया, अब क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, हाफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एक्सिस निकालना, तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस आया ना आपको, तो प्रत्येक प्रिंसिपल स्ट्रेस पे उसका अपना प्लेन होगा, ठीक। अब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है, तो जो वैल्यू आप निकाले थे ना, और जो एन एक्स एन वाई एन जेड, तो आप डायगोनल पे माइनस किए थे लैम्डा वन, लैम्डा लैम्डा वन, आप एक बार माइनस किए थे लैम्डा एन एक्स एन वाई एन जेड का, एक फॉर्म में थ्री थ्री इक्वेशंस बनेंगे, अब थ्री अननोन है, तो आपको ये तीन इक्वेशन है, एक और ऑर्थोगोनलिटी का एक इक्वेशन बन रहा है जो प्लेन के लिए है, वो आप 11 में पढ़ेंगे। देखिए एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। इस अब यहाँ से दो वैल्यू लीजिए और इसमें एक पुट कीजिए, यहाँ से दो वैल्यू आप लीजिए इसमें एक पुट कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको एन एक्स का वैल्यू मिलेगा, इसमें जब देखिए एन वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से एन वाई इज इक्वल टू, एन वाई इज इक्वल टू 50 एन एक्स बाई डिवाइडेड दिस, फिर एन जेड इज इक्वल टू 150 एन एक्स डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ से मैं एन वाई का वैल्यू एन जेड का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स मिल गया, इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अब इन फॉर्म ऑफ एक्स से अब एन वाई की जगह पे एन एक्स का रहता है, एन वाई की जगह इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स पुट करिए, एन जेड पे इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स पुट करिए, इसको सॉल्व करिए तो आपको देखिए ये मैंने पुट किया आपको, और फिर एन एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया तो एन एक्स का वैल्यू 0.8 मिला, ठीक है। अब 0.8 यहाँ पे 0.8 पुट कीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा एन वाई का वैल्यू मिलेगा, फिर एन एक्स का वैल्यू पता है तो 0.8 यहाँ पुट करेंगे तो एन जेड का वैल्यू मिलेगा। देखिए एन एक्स एन वाई एन जेड, एन एक्स एन वाई एन जेड तीन वैल्यू हमको मिले, एन एक्स एन वाई एन जेड, ठीक। अब ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया है, सिग्मा लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग आया है, ठीक। सिग्मा लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग एन एक्स एन वाई एन जेड मिला, ठीक है। उसके बाद अब हमको एक मिला सिमिलरली आपको सिग्मा एन सिग्मा लैम्डा टू के निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारा एन टू मिलेगा। अब एन वन जो हमारा वैल्यू मिला था ये एन एक्स एन वाई एन जेड, ठीक। अब उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा सिग्मा लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे यहाँ पे लिखिए इतना माइनस जीरो जीरो जीरो, अब इसको सॉल्व कीजिए
तो एक एन एक्स टू मिलेगा, एन वाई टू, एन जेड टू, ठीक। फिर सी निकालिए, एन सिग्मा लैम्डा थ्री के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कीजिए, तो एन एक्स थ्री, एन वाई थ्री और एन जेड थ्री, तीन वैल्यू मिला। तो तीन प्लेन आए, एन ए वन, एन टू, एन थ्री। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक चेक लगाना है। एक चेक चेक लगाना है यही, एन वन जो पहले निकाले थे करस्पॉन्डिंग वन के, एन टू जो सिग्मा लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू के, उसका डॉट प्रोडक्ट जो है ना, डॉट ऑर्थोगोनलिटी है ना, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर जीरो होगा। सिमिलरली एन थ्री एन वन का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एन एन टू एन थ्री का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये ऑर्थोगोनलिटी चेक हो रहा है, ठीक। ये हमारे यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, मेथड आप एक बार जान लीजिएगा तो आराम से आप कर लीजिएगा। ये हमारा नीचे था, एन एक्स, एन वाई, एन जेड।